कोरोना का कहर जान और जहान पर टूट कर पड़ रहा है। कोरोना से सांसों पर संकट है तो कारोबार की भी कमर टूट गई। इसका असर कितना गहरा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि घर बैठकर टीवी पर आंखें गड़ाए लोगों की बड़ी तादाद के बावजूद टीवी इंडस्ट्री बड़ी टेंशन में। दरअसल कोविड-19 ने टीवी चैनलों की मुश्किल बढ़ा दी। टीवी चैनलों पर विज्ञापन की बुकिंग करीब आधी हो गई है। कई ब्रांड्स की तरफ से भुगतान में देरी भी हो रही है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी IBF ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते टीवी पर आने वाले शोज के प्रोडक्शन बंद हो गए हैं और IPL जैसे लाइव स्पोर्टिंग इवेंट्स के रद्द होने के चलते विज्ञापनों पर भी प्रभाव पड़ा है। इसी संकट से उबरने में मदद के लिए IBF ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर राहत पैकेज या दूसरे कदम उठाने की मांग भी की। IBF के मुताबिक विज्ञापन के नहीं आने से टीवी चैनलों पर बुरा असर पड़ा है। IBF ने कहा है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से टीवी ब्रॉडकास्ट सेक्टर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। IBF ने सरकार से डिजिटल सर्विसेज पर GST में छूट की मांग भी की है। साथ ही इनपुट क्रेडिट का ऑटोमेटिक रिफंड और लोअर विदहोल्डिंग ऑर्डर की तुरंत प्रोसेसिंग जैसी मांगे भी रखी है। इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स काउंसिल के मुताबिक लॉकडाउन के कारण हर एक हफ्ते इंडस्ट्री को अंदाजन 50 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है जो आगे और बढ़ेगा। काउंसिल ने टीवी शोज से जुड़े हुए मजदूरों और कलाकारों के लिए जल्द से जल्द शूटिंग शुरू होने की उम्मीद लगाई है, लेकिन टीवी इंडस्ट्री का नुकसान अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेयर्स का मुनाफा बन गया है। महीने में केवल 2 नई सीरीज रिलीज करने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स पिछले 1 महीने में 6 नई सीरीज तक रिलीज कर रहे हैं। इसी कोरोना कॉल में डिज्नी जैसी कंपनी ने अपना ऐप भारत में लॉन्च कर दिया है और गेमिंग इंडस्ट्री ने भी इस लॉकडाउन के दौरान कमाल की तरक्की की है। भारत से लेकर अमेरिका, यूरोप और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हुए रिबूट टू न्यू नॉर्मल सर्वे के मुताबिक 1 मार्च से लेकर 21 मार्च तक गेमिंग के क्षेत्र में 41% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं OTT प्लेटफॉर्म पर 34% की तेजी देखी गई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि प्राइम वीडियो ने बच्चों और परिवार से जुड़े कंटेंट को फ्री कर दिया है। आमतौर पर प्राइम की मेंबरशिप लेने के लिए 1 साल में करीब 1,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अब यूजर्स कुछ कंटेंट ऐसे ही देख सकते हैं। वहीं नेटफ्लिक्स की हालिया रिलीज शोज को भी लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। OTT प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि कंटेंट देखने के लिहाज से दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये ट्रेंड खास तौर से शहरों का है। इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई डिवाइसेस की खपत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह पिछले कुछ समय से घर से ऑफिस का काम करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को माना जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों के चलते TV न्यूज की रेटिंग में भी उछाल दर्ज किया गया है। न्यूज वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के ट्रैफिक में करीब 61% का फायदा पहुंचा है। मनोरंजन उद्योग में अगर कोई दिक्कत में है तो वो है बड़ी बजट की फिल्में बनाने वाले लोग, जिन्होंने बैंकों से या दूसरे वित्तीय संस्थानों से इसके लिए कर्ज ले रखा है। इस बैंक के मामले ने इनमें से तमाम लोगों को कोरोना से पहले दिक्कत पहुंचाई। अब बातें चल रही हैं कि छोटी और मझोले बजट की फिल्मों को थिएटर तक ले जाने की बजाय सीधे OTT पर रिलीज कर दिया जाए, जिससे बड़ी फिल्मों को रिलीज के लिए सही विंडो मिल सके।